दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय नून। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अब आपको कोचिंग सेंटर ढूंढने और जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड द नून एप्लीकेशन ऑन योर फोन और अपनी सब्जेक्ट नीड्स के मुताबिक जॉइन एन ऑनलाइन क्लास ऑफ योर फेवरेट टीचर। यू कैन अटेंड लाइव लेक्चर्स, प्ले क्विज गेम्स विद योर फेलो स्टूडेंट्स, पुट अप अ क्वेश्चन, गेट स्टडी नोट्स एंड मच मोर। यानी खेल खेल में पढ़ाई भी और बेस्ट टीचर्स की गाइडेंस भी। सिमिलरली आई हाईली रिकमेंड माई रिस्पेक्टेड टीचर्स टू कंसिडर टीचिंग ऑन नून। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा, दिस इज लेस ऑफ एन एड एंड मोर ऑफ अ पर्सनल रिकमेंडेशन। सो फाइंड द डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड Join Noon today. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो एग्जाम्स की तैयारी में आप सभी से वादा किया था कि मैं स्पेसिफिकली एग्जाम्स के टॉपिक पर वीडियो जल्द बनाऊंगा, तो उसी वादे को पूरा करते हुए फाइनली ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। काशान भाई, ये माइक्रो कॉपी हो जाएगी? फोटो कॉपी ना? हाँ फोटो कॉपी, वही जो छोटे वाली होती है, माइक्रो कॉपी। अच्छा अच्छा, पेपर है कल, फर्रे बनाने हैं। समझदार हैं आप भी। अबे यार, फर्रों की क्या जरूरत है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर। क्या मतलब? फिजिक्स का पेपर है ना कल, वो 10th का। हाँ आपको कैसे पता? अबे हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, पेपर सबसे पहले आपके भाई के पास ही तो आता है। वाकई? हाँ तो और क्या, हल्का ले गए हो भाई को। मतलब क्या पेपर आउट हो जाता है? अबे आउट नहीं होता, सिर्फ खास भरोसे वाले लोगों के पास आता है। काशान भाई फिर मदद करो ना कुछ यार। हाँ करते हैं ना। ये माइक्रो कॉपी छोड़, तू एक काम कर, 1000 रुपए दे जा और अपना नंबर भी लिखवा दे, सवाल रात 11 बजे आ जाएंगे, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। अरे वाह, बस सेट है काशान भाई, बस गारंटी हो पूरी। हाँ टेंशन ही ना ले यार, बिल्कुल 100% गारंटी है। 2AS = VF² + VI² गुड हो गया, ये फॉर्मूला तो लिख लिए। कासिम जेबू, खाना क्यों नहीं खा रहे हो आकर? अब्बू कल पेपर है ना, तैयारी कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, बाद में खा लूंगा। तुम्हें भी आखिरी रात होश आया है, सारा साल पढ़ लिया होता तो आज मौत ना पड़ी होती। और यहाँ तो पे क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं अब्बू। कुछ नहीं के बच्चे नकल तैयार कर रहा है, बेगैरत। नहीं नहीं अब्बू, वो जो याद किया है ना वो लिखा है। क्या मतलब? आप ही ने कहा था लिख के तैयारी करो। वे भंडारी, तैयारी कैसी है तेरी? बस ठीक है, इतनी कोई खास नहीं है यार, थोड़ा सा पढ़ा देगा मेरे को, मेरी घंटा तैयारी है, मेहमान आ गए थे और रात को नींद आ गई थी यार, कुछ भी नहीं पढ़ा, सो गया था गलती से। यार इतना टाइम नहीं है, अब मुझे रिवाइज भी करना है। हाँ, शाफिया को तो तू बड़ा पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ाते मौत आ रही है तेरे को। तू भी दबीर के बजाय दबीरा होता तो तुझे भी पढ़ा देता। घड़ी आदमी आ तू कभी लोंडो में, कभी तो काम पड़ेगा तुझे हमसे, फिर बताऊंगा तेरे को। ओए दबीर इधर आ जा यार, भाई पढ़ाएगा तेरे को। भाई आज तो मैं फेल हूँ पक्का, किसी तरह बस आज का पेपर बचा ले यार। यार तू अभी अपने रोने बंद कर और चुप करके सवाल रेडी कर ले, यही आ रहे हैं पेपर में। अभी ये क्या, ये आज का पेपर है यानी? अबे वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक घंटे में कैसे तैयार करूँ इतने सारे सवाल? अच्छा फिर तू एक काम करी, एग्जाम हॉल में घुसते साथ ही मेरे साथ वाली सीट मल लियो, और अभी भी घंटा पड़ा है, इसमें से सेक्शन सी के 3 सवाल अभी याद कर ले, आराम से तेरा पेपर निकल जाएगा। बस सेट है। कैसिम ये लो मड़ा। ये क्या है? आज का पर्चा है, कुछ ऐश करो। दिखा, वही गलत है, ये सवाल नहीं है। अबे ये क्या, चल लिए, कौन सा पर्चा ठीक है? ये 100% गारंटीड है क्या? ये हमारा पोपी का लड़का लाया, उसका बोर्ड में तालुकात है। अभी अब क्या करेंगे यार, घबराओ मत, हम है ना वो तुम्हारा कुत्ता स्लिप हो रहा है, बस हमारा आसपास बैठना तुम एग्जाम हॉल में, वो हमारा चाचा है ना, वो मास्टर है, वो हल कर रहा है पर्चा अभी बैठ के, वो एग्जाम हॉल में नकल भिजवाएगा हमारा नाम पानी वाले का हाथ। वो दबीर तू टेंशन ना ले, पेपर मेरा ठीक हुआ है इसका, हम तुझे बता देंगे, और बाकी ज्यादा मसला हुआ तो बाथरूम में बीच वाली लेटरिन में फ्लश में मैंने नकल छुपा दिए। The project of force and displacement is called work when force reduces displacement work is the product of force and displacement is called यार work. पाई की क्या वैल्यू होती है पता नहीं यार, अभी रिवाइज करने दो, सब भूल रहा है यार, बता दो ना प्लीज। 3.14 है यार। ओह थैंक यू सारा। The rate of doing work is called power. Power is equals to work upon time. अच्छा यार सारा, ये थर्मल एक्सपेंशन का क्या फॉर्मूला था यार? उसका आई गेस अल्फा डेल्टा टी था शायद, नहीं नहीं बल्कि अल्फा अपॉन डेल्टा, यार भूल गया, मुझे भी भूल गया यार, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग की वजह से मुझे भी सारा भूल गया है। बिलाखिर इम्तहान की घड़ी आ पड़ती है, और अगर एग्जाम हॉल में सीटिंग रोल नंबर वाइज ना हो तो सब अपनी अपनी मनपसंद जगह मल लेते हैं। यार कासिम बस थोड़ा साइड पर होकर बैठी और पेपर थोड़ा सा इस तरफ रखी ताकि नजर आए। हाँ ठीक है, फिक्र ना कर। ए यू गेट अप फ्रॉम देयर, आप आगे आकर बैठे। जी सर। नो सर। फौरन। ओके सर। क्या है यार, जरा पेपर दिखाई, जरा साइड होकर बैठी है यार। साइलेंस, क्या मसला है? सर वो पूछ रहा था पेपर कब स्टार्ट होगा। ऐसा ना हो पेपर आपका स्टार्ट होने से पहले ही कहना सल हो जाए। सॉरी सर।
ऐसी एक्स्ट्रा पेन है? अबे छोड़, तुझे क्या जरूरत है? तूने कौन से पेपर में कुछ लिखना है यार? दे देना, क्यों पका रहा है? नहीं है यार, एक ही है। तने मेरे पेपर अच्छा कर देना। तने मेरे एक्स्ट्रा पेन है? नहीं यार। शेफिया एक्स्ट्रा पेन? थैंक यू वेरी मच। बेटा क्या मसला है आपका? सर पेपर कब स्टार्ट होगा? बस होने लगा है बेटा, मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ कोई खोल के ना देखे। बिल आखिर पेपर स्टार्ट होता है और कईयों पर कयामत टूट पड़ती है। परेशानी के मारे किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है, किसी को पसीने आते हैं, जबकि किसी किसी पर मुश्किल कुछ यूं पड़ती है कि आसान हो जाती है। गुलशेर यार, तेरा पानी वाला कब आएगा? क्या हुआ, पर्चा नहीं आ रहा? यार मुझे तो जो पेपर पता लगा था उसमें से कुछ भी नहीं आया यार। बसा तो आएगा 10 मिनट में। व्हाट इज वर्क एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल? अला ये तो मैं कर लूंगा। एवरीथिंग दैट इज वी डू इज कॉल्ड वर्क। विदाउट डू वर्क वी बिकम्स वेरी लेजी। फॉर सक्सेस इन लाइफ वर्क इज वेरी वेरी। ये साला दबीर तो धड़ाधड़ पेपर भरी जा रहा है, मुझे तो कह रहा था इसकी तैयारी नहीं है। देर इज मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल मजदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस ऐसे लिख देता हूँ, मजदूर डू हार्ड वर्क। Power is you are how much strong, like power of DC or Prime Minister. अबे दबीर क्या प्यारी राइटिंग कर रहे हैं यार तू, इसी पोपट राइटिंग पे तो फुल मार्क्स आएंगे। सर एक्स्ट्रा शीट। यार गुलशेर कुछ कर, तेरा पानी वाला अभी तक नहीं आया है। वो थीटा शीटों पे शीटें भरी जा रहे हैं, अपना अभी तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है यार। यार अब तो हमारा भी कुछ तसलीफ हो रहा है, हालत ठेट हो रही है यार। सर कैन आई गो टू टॉयलेट? नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी बैठे रहे। सर हालत ठेट है, मामला गरम है सर, इमरजेंसी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जाएं, आई डोंट मेक नाइस। सर कितना टाइम रह गया? 1 आवर हैज गॉन। 1 घंटा गुजर चुका है बच्चों। साइलेंस। अभी तो सिर्फ एक ही सवाल हुए, अगला सवाल क्या है? What are transistors and its types? अबे ये तो नहीं आता। Define viscosity, ये भी नहीं आता। Viscosity क्या होता है यार? ये भी नहीं आता, ये भी नहीं। अबे यार ये तो बढ़ गए। सर excuse me सर। जी बेटा। सर ये question 6 गलत है। Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Silence। पूरा paper लेने वाला system ही गलत है। सब चुप क्यों हो गए? बेटा जब सब्जेक्ट का टीचर आएगा तो उससे खुद आप सवाल पूछ लेना, अभी बाकी सवाल करें। सर मैं अखमिन। आ जाए आ जाए। हाँ भाई नकल लाया? हाँ हाँ आ रहा है यार, अभी हल हो रहा है। अच्छा हामिद, हामिद दिखा दे यार। साइलेंस। जमीन की ग्रेविटी 9.8, मून की ग्रेविटी 1.6, तो इसलिए आज से चौथे डायमेंशन में। सर जी ऐसा समोसा क्या बच गए? लाओ यहाँ रख दो यार, यहाँ रख दो। और इस समोसे के साथ चटनी किधर है यार, और प्याज किधर है? सर प्याज तो मुक गई है। और क्या मतलब यार, प्याज के बगैर मुझे खाक मजा आएगा खाने का? लेकर आओ यार। अबे दिखा दे यार, दिखा दे। गुलशेर भाई पानी। शुक्र है। वो किधर रह गया था यार, तुम 1.5 घंटा बाद आया, हमारा हालत देखो ठेठ हो गया। यार हमें थोड़ा सा साइड पे रख दे पेपर यार, थोड़ा सा साइड पे हो जा। हाँ बस सेट है, बस सेट है। सर एक्स्ट्रा शीट। कुत्ते 50+50 ये हो गया 100, 100+2 यानी 102। हम फिर भी शक हो रहा है, कैलकुलेटर से देख ही लेती हूँ। 100+2 = 102, ठीक हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी क्यूरीज? साला एक बंदा बोले, 1 at a time।
हाँ भाई तुम बोलो। पकड़ पकड़। इधर सर क्वेश्चन सिक्स में जी की वैल्यू गलत दी हुई है, पॉइंट नहीं लगा हुआ। अरे तो इसमें व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप लगा दें, ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एनी अदर क्यूरीज सर? है सर एक मसला सर। आई डोंट थिंक सो, पेपर में और कोई ऐसी बात है, पेपर इज बिल्कुल फाइन। अरे सर सुन तो ले सर। हाँ बोले क्या मसला है? सर इधर तो आए। क्या मसला है बोलो? सर ये वाला क्वेश्चन। हाँ तो क्या मसला है इसमें? सर आंसर। हाँ तो बता दें सर, आंसर बता दें। सर डन। सर हो गया, पेपर हो गया सर। सर डन ये क्या? ओके ओके अपनी जगह बैठे रहे, मैं खुद आ रहा हूँ। सर कितना टाइम रह गया? लास्ट 30 मिनट्स, आधा घंटा रह गया बच्चों। सर ये क्या? साइलेंस। देखते देखते वक्त तेजी का ऐसा तमाशा दिखाता है कि आखिरकार आखिरी के 10 मिनट आ जाते हैं और वो लोग जो खुशखती की आला मिसालें कायम कर रहे होते हैं, हड़ाहड़ी में उनकी राइटिंग डॉक्टर से भी ज्यादा तेज रवा हो जाती है। पेंस डाउन। आई सेड पेंस डाउन। स्टॉप राइटिंग बच्चों, पेंस डाउन। पेंस डाउन बेटा, पेपर दे दें। सर बस 5 मिनट, बस 5 मिनट सर। सर सर मैं लेट आया था सर, प्लीज सर। छोड़ दे पेपर, छोड़ दे, फट जाएगा सर। हाँ भाई कैसा हुआ? बिगड़ तो तुम लोगों ने तो कर लिया पेपर, मेरे पर्चे के लसन लग गए। भाई क्वेश्चन 4 का आंसर 59 था ना? हाँ 59 था। यस दबीर तेरा क्या आया? अबे मेरा तो 6 आया है। कहाँ 59 कहाँ 6 भाई, कौन सा पेपर करके आया है? और राशिद तेरा पेपर कैसा हुआ? यार सारा आता था बस कम्प्लीट नहीं हुआ यार। अबे बस करो यार ये डिस्कशन, अब टेंशन ना दो ज्यादा। अबे हामिद क्या घोल के पीता है, पेपर घंटा पहले खत्म करके चला गया था। अबे नून ऐप से पढ़ता है वो। क्या मतलब, किसी कोचिंग नहीं जाता वो? अबे नहीं यार, इसने मुझे भी कहा था पहले नून ऐप से पढ़ लो, काश पढ़ लिया होता तो आज ये रुसवाई ना होती, खेल खेल में मार्का मार गए। क्वेश्चन 8 का क्या आंसर था? अबे बस कर दे यार, एक मिनट, क्वेश्चन 8? अबे क्वेश्चन 8 तो था ही नहीं। अबे ओ क्वेश्चन पेपर की दूसरी साइड भी थी। हाँ भैया आज पर्चा कैसा हुआ तेरा? अम्मा बहुत अजीब पेपर था, यकीन करो सारा आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन आप फिक्र ना करो, सभी का बहुत बुरा हुआ है। पास तो हो जाएगा ना, या नाक कटवाने का इरादा है? अम्मा नाक होगी तो कटेगी ना। आई होप आप लोग को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस शो कंसीडर सपोर्टिंग ऑन पेट्रियन विद एज लो एज $1, इट रियली हेल्प्स मी रन दिस शो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार फिर आज के लिए शहरम को इजाजत दें, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।